नमस्कार। सो ये एक आज डिफरेंट टॉपिक है। ऐसा सर कि GKVS बहुत काम करती है MBBS अब्रॉड और MBBS इंडिया और स्टडी अब्रॉड के अलावा, एंड एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट आई थिंक दिस इज अ टिप फॉर द एम्प्लॉयर्स। और पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, बट ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा, स्पेशली जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोगों को रखते हैं, कि व्हाट इज द हार्म अगर आपका एम्प्लॉय बहुत दूर से ट्रेवल करके आ रहा है। और इसकी टेक्निकल टर्म भी होती है, विच इज कॉग्निटिव इल्यूजन। क्या है? देखिए, आप एक एम्प्लॉय के हिसाब से सोचिए, ह्यूमन के हिसाब से सोचिए। वो घर से निकला, आपका ऑफिस टाइम है 10 से 6:30, उसका घर 1.5 घंटा दूर है, वो घर से निकला 8 बजे। अब उस एम्प्लॉय के हिसाब से ना, उसकी मेहनत 8 बजे चालू हो चुकी है। वो बेचारा नहा धोकर तैयार होकर 8 बजे घर से निकल गया है। और अब नोट कीजिएगा, जो भी लोग रखते हैं एम्प्लॉयज, बाय द टाइम वो एम्प्लॉय आपके ऑफिस पहुंचता है ना 10 बजे, वो तो 2 घंटे काम कर चुका है। तो वो आते ही पियून को आवाज मारेगा, चाय ला पहले यार, फिर कोई सिगरेट विगरेट पीने जाएगा नीचे, और 10 से 10:30 पौने 11 तो अपनी थकान मिटाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से वो 8 से 10 तक काम कर चुका है। ये तो हो गया एंगल ऑफ कॉग्निटिव इल्यूजन। साइड बाय साइड वो एक्चुअली थक चुका है, क्योंकि देखिए कोई दिल्ली या इंडिया की मेट्रोज में ट्रेवल कर रहे हो, इट इज नॉट अ कंफर्टेबल ट्रेवल। मुंबई में आप लोकल में धक्के खाते आ रहे हो, गर्मी में, सर्दी में, दिल्ली में आप ट्रैफिक जैम में स्कूटर बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो या मेट्रो में आ रहे हो इतनी भीड़ के बीच में, तो आपकी एक एनर्जी तो डाउन हो चुकी है ना। तो जो एफिशिएंसी के साथ इंसान काम कर सकता है, अगर उसका घर 15-20 मिनट दूर हो, विजावेस इस तरीके से बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा। और खुद भी महसूस, वो वैसे महसूस कर रहा है साइकोलॉजी भी, और जेनुअनली भी वो थक चुका है। सिमिलरली शाम को उसको पता है मैं तो फिर अभी 2 घंटा दूर जाना है, तो 6 बजते क्या 5:30 बजे वो देख रहा है कैसे मैं निकल जाऊं। और वो थका हारा घर 8:30 बजे पहुंचेगा, खाना खाते सो जाएगा, फिर से उठ के चल पड़ेगा। वेरी मोनोटोनस लाइफ, वेरी बोरिंग लाइफ। और जब एम्प्लॉय बोरिंग है, मोनोटोनस है, मतलब दुखी है, तो वही इम्पैक्ट उसके काम में भी आता है। अब उसके मुकाबले एक एम्प्लॉय है जो 15-20 मिनट दूर से आ रहा है, या शॉफर ड्रिवन गाड़ी में ऑफिस आ रहा है, बिल्कुल थक नहीं रहा है, आप उसकी एफिशिएंसी देखेंगे, हमेशा फर्क होती है। मैं मानता हूं कि एम्प्लॉयज के लिए, जूनियर एम्प्लॉयज के लिए तो पॉसिबल है ना कि वो शॉफर ड्रिवन गाड़ी में घूमे, तो खुद ही बेचारे तरह शॉफर की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है कि ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम होम टू ऑफिस, एज एन एम्प्लॉयर भी, एज एन एम्प्लॉय भी, जिसका भी वो समय 30 मिनट से ज्यादा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, मैं कहना चाहूँ अपनी लाइफ के साथ। इट इज बेटर कि अगर आप पॉसिबल है तो अपना घर शिफ्ट कीजिए। ठीक है, कोई अगर सीपी में किसी की जॉब है तो चाह कर भी नहीं कर सकता, और क्योंकि सीपी के 1/2 घंटे दूर बहुत महंगी होंगे, तो चलो 1/2 घंटे का 1/4 घंटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1.5 घंटा एक तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज नॉट वेरी गुड। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं एक लार्ज कंपनी चलाया करता था, तो एज ए GKVS हमारे पास, मैं सच बोलूं, बहुत सारे एम्प्लॉयज नहीं है, लेकिन जब 100-150 की मेरी टीम थी, ये मैं राज खोल रहा हूं कि मैं एम्प्लॉयज का एड्रेस भी देखता था, है ना। आई यूज टू मेक श्योर कि कोई भी एम्प्लॉय 1.5 घंटे से ऊपर ट्रैवल नहीं कर रहा हो, सॉरी 1.5-2 घंटे से ऊपर ट्रैवल, 1.5 घंटा सुबह शाम का मिला के मैक्सिमम। कोशिश तो ये है कि जितनी पास रहता हो, या सेल्स टीम में अगर मेरे को एरिया बांटने हैं, तो मेरा एक एम्प्लॉय था, भाई तू गाजियाबाद में रहता है तो तू गाजियाबाद नोएडा का एरिया ले ले, तू रोहिणी रहता है तो नॉर्थ दिल्ली का एरिया ले ले, ताकि शाम को जब तू काम खत्म करे और अपने घर जाए तो तू 1/2 घंटे में घर पहुंच जाए। ऐसा ना होना कि फिर तुझे और 1.5 घंटा लग रहा है, बिकॉज यू विल बी डेफिनेटली मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड, तो वो एफिशिएंसी नहीं निकलेगी। तो ये काम मैं हमेशा समझाता हूँ, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि 2 घंटे ट्रैवल करके बंदा पहुंचा, वो मेट्रो में टिकट काट रहा है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई एफिशिएंसी नहीं लगानी, सामने लोग आ रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं और आप दे रहे हो। अगर आप कभी जाओगे टिपिकल मेट्रो स्टेशन में, वो टिकट या पासेस जो आपको बना के दे रहा है, कार्ड बना के दे रहा है, वो दिन में वैसे आधे दिन खाली बैठा होता है। सो नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट्स एफिशिएंसी, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट्स प्रोडक्टिविटी। तो अगर आपके जॉब्स ऐसी हैं कि जिसमें एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, फिर तो चल जाएगा। लेकिन जहां पर एम्प्लॉय की इनर प्रोडक्टिविटी, इनर एफिशिएंसी इज अ बिग फैक्टर, उन जगहों पे आप हमेशा नोट कीजिएगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी रेलिवेंट कि वो एम्प्लॉय अंदर से कितना खुश है, अंदर से कितना मोटिवेटेड है, अंदर से कितना फ्रेश है। और उसका बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रैवलिंग टाइम। सो आप कोशिश कीजिए एज एम्प्लॉयर, कीप दिस एज ए फैक्टर,
कि जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से जो आपका अपकमिंग एम्प्लॉय है वो कहाँ रहने वाला है। मैं करता था और एक दो बार मुझे लोगों ने धोखा भी दिया कि पहले बोला सर वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट और बाद में शिफ्ट नहीं हुआ। और आई हैव सीन इट एवरी टाइम कि जो भी एक तरफ एक सवा घंटा ट्रेवल कर रहा है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए जो रियली टॉप कंपनीज होती हैं जिनको टैलेंट स्किल्ड लोग चाहिए उसके लोग आराम से नहीं मिलते हैं, दे गिव यू पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम होम। माई फर्स्ट जॉब आफ्टर आई एम अमेरिकन एक्सप्रेस, उनकी इन उस जमाने में कॉलेज आती थी घर के सामने से पिकअप करती थी, कारण यही था। और एक कॉलेज में सिर्फ चार लोग होते थे कि सवा घंटा लगता था क्योंकि मैं बहुत दूर रहता था पीतमपुरा टू गुड़गावा, लेकिन एटलीस्ट आप सो सकते हो प्रैक्टिकली उस रास्ते में। चार या पांच लोग बैठते थे पूरी कॉलेज में, एयर कंडीशन, ड्राइवर चला रहा है, तो एक तरह से उन्होंने आपको रेस्ट दे दिया। तो आप ये सोच के चलते थे कि आप घर पे सो रहे हो या आते समय आप एक घंटा सो रहे हो, एंड यू मतलब रेदर देन बीइंग पार्ट ऑफ योर वर्किंग टाइम इट इज समहाउ मैनेज टू बी पार्ट ऑफ योर लेजर टाइम बाय गिविंग यू सो मच ऑफ फैसिलिटी। देखिए वो हर एम्प्लॉयर नहीं दे सकता और मैं समझता भी हूँ, तो कोशिश करनी चाहिए। इट इज टिप टू ऑल द एम्प्लॉयर्स दैट मेक श्योर दैट योर एम्प्लॉय ट्रैवलिंग टाइम इज नॉट टू मच। अगर बहुत ज्यादा ट्रैवल करके आ रहा है और आपको काम में एफिशिएंसी चाहिए तो वो नहीं निकलेगी, क्योंकि उसके आधा दिन तो वो थकान मिटाने में ही चला जाएगा। जनरली ही वुड बी और शी वुड बी अ फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय, क्योंकि देखिए सभी को तो भगवान ने 24 घंटे दिए है ना, अब उसमें 9 घंटे की जॉब भी कर रहा है, 4 घंटे आने जाने में भी लगा रहा है, 7-8 घंटे सोना भी है रात को, तो वो खुद ही फील करेगा कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग, बहुत मोनोटोनस है, और वो काम में वो जोश कभी नहीं आएगा जो आ सकता था अगर वो उतना ट्रैवल नहीं कर रहा होता। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिए, जरूर सोचिए, एंड आई होप कि दिस टिप विल हेल्प ऑल द एम्प्लॉयर्स टू लीड देयर टीम्स एंड गेट मोर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयज। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।